अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ हैं, सनिया हूं मैं। क्या हाल है सनिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी व्यूअर्स, तो आज हम आपके लिए एक नया शो लेकर आए हैं जिसमें अगेन हम लोग रिव्यू करेंगे मुख्तलिफ ड्रामों को, और मुख्तलिफ उसमें से कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, एक नया है इनफैक्ट, बाकी तो पुराने हैं। इसके अलावा आई वुड से के इसी हफ्ते, बल्कि इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू भी किया था आमना मुफ्ती का, उसमें जो ड्रामा है खुशबू में बसे खत, आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, काफी लोगों ने इनफैक्ट देखा होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन्होंने नहीं देखा है वो इस इंटरव्यू को जरूर देखें, एंजॉय करें। अगर आपने ड्रामा नहीं भी देखा है तो भी आई एम श्योर उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी और आपको सीखने को मिलेंगी। तो चले जी, आज का शो स्टार्ट करते हैं। सनिया, मेरा ख्याल है कभी मैं कभी तुमसे शुरू कर ले, जो नया ड्रामा हाँ शुरू हुआ है। बिल्कुल, हर तरफ उसकी ही धूम है माशाल्लाह। फहद अच्छा मुस्तफा दोबारा छोटी स्क्रीन पे, आप बताएं पहले आपका सुन लेते हैं। पहले मेरा सुनना है, अच्छा ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यार सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं, फरहद इश्तियाक मेरी बहुत 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 पसंदीदा किस्म के राइटर हैं। मैं आई लव हर वर्क, मतलब मेरा ख्याल से इस वक्त स्क्रीन प्ले में और ड्रामा राइटिंग में टॉप नॉच, अगर हम दो चार नाम लेते हैं तो उनमें फरहद इश्तियाक का नाम सरे फहरिस्त आता है, इसमें कोई शक्व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ड्रामा जो था मैंने देखा एज यूजुअल, बहुत एक्सपेक्टेशन से देखा, एंड एक्चुअली मैंने इंजॉय भी किया, ऐसी बात नहीं कि मैंने इसको इंजॉय नहीं किया। मगर मेरा कुछ इशू ये होता है सनिया कि जो कि गलत बात है, होना नहीं चाहिए, मगर जो पहला एपिसोड होता है ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस पहले एपिसोड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत चीजें मुझे उससे मैं देखती हूँ, मुझे आइडिया होता है कि ये ड्रामा आगे किस तरफ जाने वाला है, कैरेक्टर्स की कुछ समझ में आती है, ड्रामे के बारे में कुछ समझ में आती है। शुरू के जो 10 मिनट थे उसमें मेरा सर चकरा गया, बिकॉज वो जो बुशरा अंसारी का जो वो एक मोनोलॉग था और वो कैमरा गोल 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 घूम रहा था, 2 मिनट के लिए तो मेरा सर चकरा गया कि यार कैमरा के साथ साथ मैं भी घूमने शुरू हो गई। अच्छा पहला सीन आता है, कट टू द फर्स्ट सीन, एक टेप रिकॉर्डर एक साहब आके रखते हैं, उसके अंदर वो ओएसटी बज रहा होता है गाने उसका, ड्रामे का, ठीक है ना। उसके साथ एक कार्ड आता है कि जी शर्जील वेड्स, क्या नाम है उसका, शर्जीना वेड्स अदील, शहरीना, शर्जीन शर्जीना, हाँ शर्जीना ही नाम है ना, हाँ शर्जीना, शहरीना, हाँ जो भी है, तो शी वेड्स अदील और शर्जीना, वो, हाँ शर्जीना शर्जीना ही है मेरा ख्याल है, शर्जीना, शर्जीना, हाँ तो वेड्स अदील ऑन 22 जुलाई, ठीक है, एट 8 PM मिस्टर एंड मिसेस ब्ला 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 कॉर्डियली इनवाइट यू टू अ वेडिंग ऑफ दिस, ये तुम देख देखना, एक पूरा स्क्रीन उसमें कार्ड साइड में एक लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, अटेंशन टू डिटेल एक्सीलेंटली डन इन दिस ड्रामा, अटेंशन टू डिटेलिंग बहुत अच्छी की हुई थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी की हुई थी, इसमें कोई शक्को शबे की गुंजाइश नहीं है। तो जनाब 22 जुलाई को शादी होनी है अदील की और शर्जीना की, तो ये है इसका पूरा ड्रामे का पहले एपिसोड का क्रक्स की जी शादी की तैयारियां हो रही हैं। अच्छा जी शादी की तैयारी होनी है, जाहिर है अब बार बार बुशरा अंसारी का जो कैरेक्टर, जो अम्मा का कैरेक्टर है, अदील की अम्मा का कैरेक्टर, वो यही कह रही है जी 10-12 दिन में शादी है, ठीक है 10-12 दिन के बाद शादी है। अच्छा 10-12 दिन के बाद शादी है, जाहिर सी बात है, अब मगर फूल पीले वाले जो हैं वो पहले से आ रहे हैं, चलो मायों का इवेंट अरे होगा, मेहंदी का इवेंट होगा, कोई बात नहीं, पीले फूल आए, पूरे घर की डेकोरेशन फ्रेश फ्लावर्स से हो रही है, शादी में अभी 10-12 दिन है, फ्रेश फ्लावर्स 10-12 दिन तक रहेंगे इंशाल्लाह, अच्छी बात है, अटेंशन टू डिटेलिंग। अच्छा चलो ये बहुत छोटी छोटी बात है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग, अदील का कैरेक्टर जो, खैर पहले हम उस पे जाते हैं, शर्जीना जो कि हीरोइन का कैरेक्टर है, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आजकल ये 3 बहनों वाला चक्कर क्यों शुरू हो गया है, हर घर में 3 बहनें, हर घर में 3 बहनें, हर घर में 3 बहनें, ये मैं कोई चौथा या पांचवा ड्रामा देख रही हूँ जिसमें 3 बहनें हैं, ठीक है कोई बात नहीं वो भी ठीक है। बहुत एक
नॉन इम्प्रेसिव कैरेक्टर अभी तक पहली एपिसोड में शर्जीना का मुझे दिखाया भाई, वो एक आइडियलिस्टिक लड़के की तलाश में थी, उसको अपना आइडियल मिल गया, 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने शादी करने के लिए हाँ कर दी, हामी भर ली। मुझे जो इश्यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि जी एक तो मुस्तफा का कैरेक्टर, ठीक है क्या एज ग्रुप दिखाया है उन्होंने, क्या ये 20 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का है, 40 साल का आदमी है, 30 साल का आदमी है, क्या है एज ग्रुप, क्या है पहली बात। दूसरी बात ये कि वो नबील कुरैशी की डायरेक्शन खत्म नहीं हो रही है, वो मोटर बाइक चल रही है, वो ही सब कुछ चल रहा है, इसका प्रोफेशन क्या है, क्या ये कंप्यूटर एक्सपर्ट है या ये कंप्यूटर हैकर हैकर है या हैकर ये हैकर है, ठीक है तो मतलब ये इलीगल काम करता है, सीधी सी बात है, ठीक है अच्छा, तो इसी वजह से पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है, वो क्लियर नहीं हो रहा पुलिस उसको क्यों पकड़ के ले, पुलिस क्यों इसलिए पकड़ के लेके गई कि उसने हैकिंग की है या पुलिस किसी और वजह से उसको पकड़ के लेके गई है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही। ये स्क्रिप्ट में चीजें क्लियर होनी चाहिए, वी शुड नो व्हाई व्हाट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये, पहले एपिसोड में चीजें क्लियर नहीं हो रही। अच्छा उसके बाद जनाब ये है अदील साहब का कैरेक्टर आता है, अगेन अ पर्सन विद अ वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू के नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी उसकी दिखाई गई है कि जी उसके अंदर बड़ा नार्सिसिस्टिक है, लेकिन वो पूरी तरह से पर्सनैलिटी नहीं है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, उसमें ट्रेट्स है, ठीक है क्योंकि वो माँ बाप के साथ अच्छी तरह से है, बहन के साथ बड़ा अच्छा है, अपनी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत उसकी अच्छी है, फियांसी के साथ ही बड़ी अच्छी तरह बात करता है, मगर फिर वो जो एक हमने वो पूरी कन्वर्सेशन सुनी कि जो उन्होंने अपनी फियांसी के साथ की कि जी मेरा फर्नीचर ही सिर्फ बेडरूम जो है वो मेरा फर्नीचर ये 8-9 लाख का है, तो जी बड़ा बहुत हाँ जी वो बड़ा ही कंडेंसेंडिंग एटीट्यूड के जी वो मुझे थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप क्या है वो, ये क्या जो दोनों फैमिलीज अदील की फैमिली और शर्जीना की फैमिली खाते पीते घराने, शर्जीना की अमीर है, शर्जीना की अमीर दिखाई हुई है, अदील की फैमिली में सिर्फ एक अदील अमीर है, बाकी इनके नॉर्मल ही हैं, बाइक वाले लोग थे, एक अदील तरक्की कर दिया है, इस तरह सिर्फ है अदील तरक्की कर गया है और बाकी के लोग नॉर्मल हैं। अच्छा हाँ ये बात, बाइक में ये तो मुझे साइकिल। सब, क्योंकि वो उसने MBA किया हुआ है, वो किसी अच्छी जॉब के ऊपर है, सब कुछ है ठीक है। 12 दिन शादी को रह गए हैं, बहुत अच्छी जॉब है इनकी, बहुत वेल टू डू है माशाल्लाह, कमरे को रीडू भी किया है उन्होंने, बहुत महंगा महंगा फर्नीचर भी खरीदा है, के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 10 दिन पहले शादी से। यार मतलब हम अगर कोई वेकेशन भी लेने जाते हैं ना, अगर 2 दिन की भी छुट्टी लेनी होती है ना, उसके लिए इंसान महीनों पहले अप्लाई कर देता है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, क्योंकि आपको पता होता है कि जी ये प्रोसेस लंबा होता है, आप 10 दिन पहले अपनी एप्लीकेशन नहीं देते शादी से पहले, ईमेल नहीं करते अपने बॉस को कि जी हमें अब मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है ना, 10 रिडिकुलस, दिस वॉज रिडिकुलस, ठीक है अच्छा जी। वो बॉस झूले पर पूरी लगाने में इनको जल्दबाजी की और छुट्टी लेने में बहुत ही देर कर दी, तो वो हाँ, बस मतलब टाइम नहीं, मैनेजमेंट खराब है। उसके बाद ना वो बॉस उनको कॉल करती है कमरे में और उनको बताती है, गुजारिश कर देती है, मतलब वो इतने सालों से, मतलब जितने भी अरसे से काम कर रहे हैं, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, ये मुझे नहीं पता, याद नहीं है, मैंने जिस दिन आया था उसी दिन ड्रामा देखा था, मगर ये कि जितने भी अरसे से कर रही है, 4 साल से शायद काम कर रहे थे वहां पे, तो उनको मोहब्बत हो गई, इनसे मोहब्बत हो गई, तो 4 साल में उनको अंदाजा नहीं हुआ कि इनकी बॉस उनसे मोहब्बत करती है, अचानक ऑल ऑफ अ सडन बॉस ने उनके सर के ऊपर, उन्होंने बॉस के सर के ऊपर ये फेंका कि जी मेरी शादी हो रही है, और बॉस ने उनके सर के ऊपर फेंका कि मुझे आपसे मोहब्बत है। यार ये मुझसे हजम नहीं हो रहा, ये पूरा वो पार्ट एपिसोड बहुत क्रिंजी था। मुझे नहीं समझ आ रही, आई मीन इट वाज कंप्लीटली, जो लास्ट फ्यू मिनट्स वर कंप्लीटली, मेरा दिमाग उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, ठीक है अगर मैं इसको सिर्फ एज अ ड्रामा दे के देख रही हूँ ना, इवन देन इट डजेंट मेक सेंस टू मी, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच वर मिसिंग इन द प्लॉट, एंड इसमें मैं ये नहीं कहूंगी डायरेक्टर की गलती थी, मुझे लगता है इसमें राइटर की गलती थी, जो पहला एपिसोड था वो अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए था, इतना पावरफुल होना चाहिए था, लेकिन नहीं था, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, मुझे लगा कि बहुत ऑर्डनरी राइटिंग है, इट इज नॉट फरहत इश्ताक राइटिंग, वो उनके लेवल की राइटिंग मुझे लग ही नहीं रही है, और उसको जो है ना वो सिर्फ सजा बना के, वो नबील कुरैशी के स्टाइल की डायरेक्शन डाल के जो है ना उसको ढांप मुंह करके और वो ग्लैमर करके और स्क्रीनशॉट, बहुत खूबसूरत एंगल्स दिए हुए हैं, बहुत विजुअली इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, हाँ, ठीक है, फोटोग्राफी और वो सीन्स फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं। फ्रेम्स बहुत खूबसूरत दिए हुए हैं, ओवरऑल इट्स डन रियली नाइसली, इसमें कोई शक नहीं, यार मैंने काफी खिंचाई कर दी। नहीं
एक तो चीज ये है कि फरहत इश्तियाक के जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, वो सिचुएशंस और हालात पे नहीं होते, वो हमेशा इमोशंस पे होते हैं, वो हमेशा इमोशनली चार्ज्ड होंगे। वो कोई इसमें, आप नॉवेल्स भी पढ़ो उनके, और बहुत सारे उनके स्क्रिप्ट्स होते हैं, उसमें टिपिकल चीजें हो रही होती हैं, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स उमेरा एमर टाइप की चीज वो नहीं लाती, लेकिन उसमें इमोशंस इतने चार्ज होते हैं ना कि ऑडियंस जुड़ जाती है। वही बात कि वो फर्नीचर वैसे धुले हुए चेहरे, इतने अरसे बाद घर के कपड़े, घर के बाल, सादा हुलिया, वो माँ बेगम की तरह बड़े बड़े जूड़े नहीं बनाए, वो चीजें हैं। एक चीज जहाँ कास्टिंग में ये गड़बड़ हुई कि ये पता नहीं चलता फाहद बड़ा है कि अमाद अफंदी जो अदील है वो बड़ा है, थोड़ा सा उसमें रखना चाहिए था, या तो फाहद की क्लीन शेव कर देते और उसकी दाढ़ी रखवा देते, वो लगता बड़ा भाई, वो उसमें थोड़ा सा है। लेकिन जो फाहद का कैरेक्टर इन्होंने बनाया, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम बनाया है कि वो जो लगता, सारे रेड फ्लैग्स लगता है कि वो प्रिंटेड टी शर्ट, खुले बटन, हैकर, गंदा कमरा, और वो अंदर से ग्रीन फ्लैग निकलेगा, और वो जो भाई जो लगता सारे ग्रीन फ्लैग्स है कि अच्छा सा, वेल ड्रेस्ड, तमीजदार, अच्छी जॉब, सिक्योर जॉब, वो अंदर से सारे रेड फ्लैग्स निकलेगा। तो वो चीजें अच्छी हैं। दिल तो सच में करता है कि एकदम से हीरो हीरोइन सामने आ जाए, एकदम से जरा होता है शौक के बड़े भाई की शादी है, मैं तो यही समझ रही थी कि छोटे भाई की शादी है, ये थोड़ा सा हाँ फिल्मी स्टाइल इन्होंने कर दिया है। लेकिन जो बड़े बड़े हमें महल वाले घर दिखाते हैं, उससे ये बेहतर है कि चलो हमें गलियां दिखाएं जो हम रिलेट कर सके, वो शॉपिंग बाजारों की और उन चीजों की। एक तो मैं शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मोहम्मद अहमद को नहीं लिया वालिद के रोल में, हम बहुत दफा देख चुके हैं, उन्होंने तौसीफ हैदर को कन्विंस किया, हानिया के अब्बा लगते भी हैं शक्लो सूरत से। अच्छा, और पोइटिक सी लुक है एक तरह से ना, जो ड्रीमी सी लुक है कि वो बड़ी हानिया मेरी मासूम सी प्यारी सी डिम्पल वाली हीरोइन, लेकिन यस फिल्म्स वाले फ्रेम है सारे, वो भाइयों भाई, और वो जो कलर पैलेट, वो सारा ना फिल्मी स्टाइल का है, वो चीज है। और क्या है, और फरहत इश्तियाक के हीरो हीरोइन हमेशा ही इतने अमीर होते हैं कि बस उठते हैं और लंदन का टूर और इधर का टूर, वो सारी चीजें इसमें भी हैं कि लाखों में बातें हो रही हैं कि अगर नहीं लिया जहेज हम इतने लाख ट्रांसफर कर दें, इतने लाख कर दें, तो वो वाली चीज भी थी। फहद का उन्होंने कमरे पे भी इतनी माशाल्लाह डिटेलिंग डाली हुई है कि गंदा कमरा उसके कैरेक्टर की अक्कासी कर रहा है, और जो सोफा फर्नीचर वो सारी चीजें, वो सारी चीजें बड़ी अच्छी है। उसके अलावा फहद जब अब्बा जी से डांट खा रहा है, वो वाले सीन्स भी अच्छे हैं। फिर अब्बा जी जाते हैं तो वो जैसे ही मुंह दूसरी तरफ करते हैं, वो भगड़े डालना शुरू कर देता है, अम्मी से कहता है कि हैंडसम ना होते ना तो बड़े घाटे का सौदा है, आपने इनसे क्यों शादी कर ली। वो सारी मजे मजे की चीजें हैं, थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। बहुत ज्यादा क्रिंजी हो जाता है कि मतलब आपने इसमें और जानिसा की भाभी में क्या फर्क है, जो इतनी डेस्परेटली आगे होके कह रही है सारा कुछ, तो एग्जैक्टली वो वाली चीज है ना, वो अमीर खातून है, तो 4 साल में अमीर खातून ने बड़े इजीली अप्रोच कर लिया होता, वो अकेली उसको फॉरेन टूर पे नहीं भेज रही होती, वो साथ खुद भी होके आई होती 2-3 दफा, अमीर खातून थी, साल 1.5 में उसने कर लिया होता। और वो वाला मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बिल्कुल उसने ब्लंट होके इस तरह कहा और सब कुछ कर लिया, और वो हानिया को जो डांटी जा रहा है और वो सारी चीजें, वो भी है कि वो एकदम से हानिया की फीलिंग्स उसके चेहरे पे आती हैं, और आप एकदम से फील करते हो कि यार मासूम सी हीरोइन को डांट रहे। अब जो उनका टाइटल में है ना कि एक तरफ खिड़की में हानिया बैठी है और बुक पढ़ी है, और फहद उसी तरफ बैठ के मोबाइल पे लगा हुआ है, ये फहद के कैरेक्टर में सारा कुछ जो है ना, फहद के कैरेक्टर अगर अच्छी तरह से निभाया जाए, उसके अच्छे डायलॉग हो, तो वो एक हैकर वाला कैरेक्टर, टपोरी आदमी वाला कैरेक्टर इस तरह का अभी आया ही नहीं। जो मर्जी कर लो, हमें स्टेबल और वो वाले लड़के पसंद है, लेकिन बैड बॉयज का अपना चार्म होता है, उसको अगर अच्छे से हैंडल कर लें तो ये ड्रामा बहुत अच्छा जाएगा। अभी तो देखते हैं, ड्रामा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं उसके बारे में, क्योंकि तुम्हें पता है मैं वैसे भी इन चीजों में जरा जो पर्सनालिटी वाले इश्यूज होते हैं उनमें मुझे बात करके मजा आता है। और फहद का कैरेक्टर भी एक्चुअली अच्छा है। मैं कैरेक्टर की बुराई नहीं कर रही, मगर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि फहद कैरेक्टर के अंदर कैसा उस रहेगा, तरह फिट नहीं दैट कर इज अ रहा। क्वेश्चन मार्क। कैरेक्टर इटसेल्फ इज रिटन वेरी नाइसली, मुझे मजा आ रहा है उस कैरेक्टर को देख के। थोड़ी सी एक लाइफ आती है, कुछ एनर्जी आती है, और फहद ने उसमें एनर्जी डाली भी है बहुत, टू बी ऑनेस्ट, बहुत एनर्जी डाली है उस कैरेक्टर के अंदर उसने।
और ये नॉटीनेस फहद ही कर सकता है, और ज्यादा इतने हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ यंगस्टर्स डेफिनेटली इस रोल के अंदर फिट बैठ जाते हैं। तो आजकल जैसे थे खुशहाल खान है, या जिस तरह से दो चार और इस तरह के एक्टर्स हैं उनके अंदर भी। हीरोइंस की हमारे पास इतनी यंगस्टर्स नहीं है, यंग हीरोइंस हमारे पास सिर्फ एक सहर खान और एक दाना नीर है दाना नहीं रहे। हाँ बस, तो वो भी थोड़ा सा इसलिए हो जाता है। वो वाला हाँ मे कितना अच्छा था कि फहद आवारा गर्दी करते ही जैसे ही फजर होती है सो जाता है और हाँ उधर नमाज पढ़ी है, तो उनका कंट्रास्ट सिखा रहे हैं। जब ये स्क्रीन शेयर करेंगे तब सही मजा आएगा, आई होप हाँ आई होप। हाँ नहीं इनकी मैं लाइव केमिस्ट्री देख चुकी हूँ, बिकॉज एक शो हुआ था यहाँ पे कनाडा में, एक फंडरेजर हुआ था तो उसमें ये लोग आए थे, और आपस में इन लोगों ने साथ परफॉर्मेंस भी दी थी एंड एवरीथिंग। तो इनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, और जब आपकी आपस में अच्छी दोस्ती होती है ना, तो वो फिर स्क्रीन पे नजर भी आती है, वो केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पे नजर आती है। तो आई एम श्योर कि वो स्पार्क्स आर गोइंग टू फ्लाई, बहुत अच्छा लगेगा, मजा बहुत आएगा। बट बस ये स्क्रिप्ट में कहीं कोई गड़बड़ ना कर दें, बस मुझे सिर्फ ये फिक्र है। तो और मुझे वो बहुत क्यूट लगा, वो जो जब जहां जहां भी फहद मुस्तफा आता है ना, वहां पे पीछे बैकग्राउंड में वो लूजर की एक वो आवाज आनी शुरू हो जाती है, लूजर। सो क्यूट, वो बहुत मुझे मजे का लगता है वाकई में, जैसे कि वो उसके उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं कि ही इज अ लूजर। तो तुमने नोट और वो किया था कि? हाँ नहीं नहीं मैंने नहीं नोट किया था, जब वो कंप्यूटर पे कर रहा है तो स्क्रीन पे सारा कुछ आ रहा है, वो क्या कर रहा है, तो बहुत ऐसे अच्छा। इफेक्ट डाले, एंगेजिंग बनाया। हाँ। नहीं डायरेक्शन बहुत अच्छी दी है, इसमें कोई शक नहीं है, डायरेक्शन बहुत अच्छी दी है। चलो खैर एनीवे, अभी तो पहला एपिसोड था, हमने पहले एपिसोड पे इसका पोस्टमार्टम कर दिया सनिया, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो इससे पहले कि हम आगे चले, मेरा ख्याल है मैं अपने व्यूज को बता दूं कि मैंने और सनिया ने मिलके एक चीज डिसाइड की है कि अब हम जेंटलमैन को मजीद रिव्यू नहीं करेंगे। पहली बात तो उसमें ये है कि इसमें कुछ टू बी ऑनेस्ट रिव्यू करने के लिए कुछ है भी नहीं। इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ अ टाइम एंड वेस्ट ऑफ अ ड्रामा। आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको देखूंगी भी सही, बिकॉज इसमें कुछ एज सच कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि आप देख के आपको लगे कि या तो इंटेलेक्चुअली आप कुछ गेन कर रहे हैं या फिर आप एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गेन कर रहे हैं। तो इसलिए हम आप लोगों का भी मजीद वक्त जेंटलमैन को रिव्यू करके जाया नहीं करेंगे। तो अंटिल अनलेस के कोई ऐसी चीज नजर आती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होता है जो हमें पता चलता है, उसके बाद अगर हमने देखा तो फिर ठीक है, लेकिन अदरवाइज आई वरना लास्ट एपिसोड देख लेंगे एंड आई थिंक दैट वुड बी इनफ। हाँ सही है ठीक है। तो ठीक जनाब इस पे जो है हम फिर चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम ड्रामा करते हैं जट पत्तों का बन, बड़ा क्यूट सा रहा इस दफा भी, कोई ऐसा हाँ वो नहीं बहुत जैसे बाकी के एपिसोड से, आई थिंक उसी तरह का एपिसोड था। मुझे बहुत वही बेस्ट। हाँ कुछ डायलॉग्स मैंने उसके बल्कि लिख के रखे थे, जो इसके जो मीनू और कंपाउंडर के बीच में, जो कंपाउंडर साहब उसके पीछे पीछे साइकिल में जब दौड़ते हुए आते, तो वो एक बात उसको कहते हैं कि जब उसको हेलमेट देते हुए कहते हैं कि दिल की चोट, दिल दिमाग की चोट और दिल की चोट से अल्लाह तुम्हें बचाए। अरे बहुत क्यूट बात थी मतलब, और ये लाइक ऐसे आदमी से जिसको उस बेचारी ने जिसका करियर तबाह करके रख दिया कंपाउंडर साहब का, और वो कंपाउंडर साहब जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि वो जानवरों को ला ला के करके इस ड्रामे में इन्होंने सबसे मजे का काम ये किया कि उन्होंने हर सीन के लिए अलग म्यूजिक डाला है, वो हर सीन की एक अलग फीलिंग हो जाती है। ये बड़ी आम बड़ी स्पेशल बात है कि आप म्यूजिक डालोगे ना तो आपको वैसी फील आएगी, जैसे साइकिल मोटर ओए होए 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 तेरी चल पड़ी साइकिल मोटर, और वो जब कौन है उनके चौधरी साहब के डेरे के ऊपर जो बात हो रहा है उसका इतना अच्छा उन्होंने म्यूजिक डाला है, बल्कि वो नॉर्मल सिंगर है लेकिन कितने मजे की आवाज है। मेरे दिल मेरे मुसाफिर कर फिर से हुक्म सादिर मशहूर गजल है, दरबार में कवाली कहीं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, वो म्यूजिक भी बड़ा अच्छा उन्होंने डाला हुआ। लेकिन अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब को बचाए, वो बेचारे डिस्पेंसरी में आके इतने ना खुश थे, उन्हें भैंसे गाय ऐसी चीजें मिलने लग गई हैं कि अब क्या करें, और सारा दिन लंबी लाइन है मरीजों की, गांव में तो सच में बहुत बीमारियां होती हैं, सिर्फ फोन सुनने वाले आ रहे हैं, ये कैसी बात हो गई, तो मेरी भी समझ से बाहर है।
हाँ वो एक तरह से मीनू इतना शोर मचा रही है कि डॉक्टर की जरूरत है। अब डॉक्टर की जरूरत, मैंने तो अभी तक बेचारे को इतने दिनों में एक मरीज भी देखते हुए नहीं देखा। वो सिर्फ जो है ना वो दरख्तों पे चढ़े हुए हैं और वो फोन के सिग्नल मिला रहे हैं। तो डॉक्टर का तो मुझे सिर्फ यहाँ पे यही कोई मसरफ समझ में आता है कि वो दरख्त पे चढ़े रहे हैं और फोन मिलाते रहे घर वालों को बस। और मरीज किधर है यार, कुछ एक आधी सीन बच्चे दिखाते मरीज है। बच्चे बहुत बीमार होते हैं, कोई लाइनें लगे, कोई दो चार मरीज कुछ तो आए, लेकिन खैर ये हाँ डॉक्टर साहब और मीनू ने जल्दी बदनाम हो जाना है, जो इनकी हरकतें चल रही हैं। दरख्त इनका मीटिंग पॉइंट बन गया है, अब वो ऊपर हाँ चढ़े होते हैं, वो नीचे होती हैं, लेकिन बन ही गया एक तरह से मीटिंग पॉइंट। हाँ वो मीटिंग पॉइंट बन गया, वो बिल्कुल सही। वो उसने होंडे ने भी आके बोला ना, तो के अब हाँ आइडिया आइडिया तो दे दिया ना कि हम बदनाम करने वाले हैं। बट हाँ और वो इतना क्यूट सीन था, वो जो चौधरी साहब, जो चेयरमैन साहब इनके, जो उन्होंने वो उसकी बाइक के ऊपर भी वो लगा दी थी चौधरी साहब की तख्ती शुक्रगुजार। तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो वाकई में उनका यही होता है कि हर चीज में उनको क्रेडिट मिले, चाहे वो उन्होंने की हो या ना की हो, लेकिन उन्होंने उनको क्रेडिट उनको लेना होता है। अच्छा, इस एपिसोड में मीनू के कोई भाई नहीं दिखाए, लेकिन जो वो दिखा रहे हैं लोग, उसके साथ वो इंसाफ करें कि चौधरी साहब के भी कोई रंग ढंग नजर आ रहे हैं, डिस्पेंसर के भी रंग ढंग नजर आ रहे हैं, तो वो जो दिखा रहे हैं वो अच्छा दिखाते हैं। इसमें सज्जन अली की साइकिल को कुछ हुआ ही रहता है, हर एपिसोड में साइकिल का पंचर हो गया, अब ये हो गया, तो वो साइकिल से काफी ताल्लुकात है। साइकिल साइकिल से इज लाइक द लव ट्राइंगल हो ना, हमजा साइकिल एंड सज्जन, तो वो लव ट्राइंगल है, उसमें साइकिल है काफी। तो के बन में ना रोल्स भी स्वॉप है कि हीरो हमारा हीरोइन है, कि उसको जरूरत पड़ रही है कि उसकी मदद करे, कोई उसको काउंसलिंग करे, और हमारी जो हीरोइन है वो हमारा हीरो है, ये सब कुछ खुद करिए, सीढ़ी तक बना ली, और वो हर चीज में किसी चीज में नहीं झुक रही। तो वो तो सजल ना होते है, वरना ना भी होती तो कैरेक्टर ही माशाल्लाह मीनू का बड़ा स्ट्रांग है। ये तुमने बहुत अच्छी बात पकड़ी है। ये बात मैंने, मेरे दिमाग में नहीं आई ये बात। दिस इज अ वेरी स्मार्ट थिंग दैट यू आर टेलिंग मी। ये मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखा ही नहीं। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। नाउ दैट आई एम थिंकिंग कि हीरो हीरोइन है और हीरो हीरोइन हीरो है, और कैरेक्टर्स भी यस तुमने बिल्कुल सही पकड़े हैं। वो लगती भी हीरोइन है, वो लगती भी हीरो है। कास्टिंग बहुत अच्छी हुई हुई है इधर। चलो खैर, एनीवे, नहीं इट्स गोइंग नाइस, मजा आया। अच्छा ही जा रहा है, मतलब उसमें कोई ऐसा कोई बहुत इस वक्त तक, अभी तक तो कोई ऐसी कोई धमाकेदार चीज अभी तक नहीं हुई है। अपने पेस पे चल रहा है ये ड्रामा, तो आई होप कि बस अब वो थोड़ा सा पिकअप करें। इस ड्रामे को लगता है ऐसे ही रखेंगे सेटल सेटल सा। देखते हैं, लेट्स होप। मतलब अब तो काफी एपिसोड निकल गए, 8 एपिसोड हो गए हैं। अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा पिकअप कर लेना चाहिए ड्रामे को, कर थोड़ा ले, बोर वरना फिर ऑब्वियसली ऑडियंस बोर हो जाएगी। हो जाएगी। एग्जैक्टली, आई मीन ठीक है, क्यूटनेस अपनी जगह ठीक है, बट आई मीन कोई मकसद होता है तो वो आपको समझ तो आएगा कि ड्रामा देख क्यों रहे हैं। सिर्फ क्यूटनेस पे तो आप ड्रामा नहीं चलाते ना, कुछ तो होता है ड्रामे के अंदर। तो एंजॉय तो हम कर रहे हैं सीन टू सीन, बट अभी तक ड्रामे का पर्पस समझ में आ नहीं रहा है। तो आई थिंक दे शुड पिक इट अप नाउ, होना चाहिए अंटिल अनलेस कि वो चाह रहे हैं कि हम 50 एपिसोड तक लेके जाएं ड्रामे को, तब कहीं जाकर ड्रामा समझ में आएगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वैसे कश्यप पालों का कुछ ऐसा होता तो नहीं है, वो ड्रामा अपना खत्म कर देते हैं। हाँ ठीक लेट्स सी, लेट्स होप सो। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले ड्रामे के ऊपर। तो क्या करें, जानिसार कर लें? जानिसार कर ले, उसका भी वही रिव्यूज होता है कि हर बार एक ही तरह का रिव्यू हो जाता है, देखे क्या हाँ, करें। हर दफा का एक दफा हो जाता है, मगर एक इस दफा थोड़ी सी चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग मुझे इस तरह से लगी कि ऑब्वियसली जो हम कह रहे थे कि जी वो दानिश तैमूर का वो एक एक कोई टिपिकल वाला है, वो स्टाइल होता है वो एक टिपिकल, वो तो खैर है अभी भी है, मगर इस दफा उन्होंने एक जरूरत से कुछ जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव रोल उसको देने की कोशिश की। मेरे ख्याल वो तेरे बिन के बाद एक लार्जर देन लाइफ हीरो वाली जो एक फील है ना, वो अब हर ड्रामे ने ले ली है कि मेरा, हमें हर एक चैनल चाहता है कि हम अल्फा मेल, हाँ हाँ, तो जो है वो जनाब हर हद से ज्यादा वो जो है वो अंडरस्टैंडिंग, बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत ख्याल करने वाला, और बहुत बस मतलब एक तरफ से एक तो होता है टॉक्सिक मेल और ये अल्फा मेल, तो वो अल्फा मेल एक बन गया है।
तो अब वो उसको बना दिया गया है दानिश तैमूर को कि जी वो सेवियर है और वो बस हर जगह पहुंच जाता है अपनी बीवी को, हर एक हाल के अंदर उसने प्रोटेक्ट करना है और उसको बचा के रखना है। तो मुबारक हो आपको, अब अल्लाह करे कि इस तरह के मर्द निकलने भी हमारे माशरे में भी आए, हमें नजर भी आए, और बहुत खुशी होगी हमें कि अगर ये ट्रेंड निकल आए और ये ड्रामे देख देख के हमारे यहाँ भी अल्फा मेल्स जन्म लें। बहुत अच्छी बात होगी। बहुत अच्छा लगेगा सच में। मैंने भी ये बात नोट की कि मतलब हर जगह वो फैला हुआ है, कि वो ग्लास शेड में ग्लासेस लगा के बगैर कॉलर की शर्ट पहन के, बस उसका सारा मकसद यही है। वो फोन कर रही है वहां पे हाजिर, वो वहां जा रही है उसको बचा रहा है। तो वो ऐसे हीरो क्यों ना पसंद आए लोगों को, फिर तभी तो मिलियन बिल्कुल मिलियन व्यूज आ रहे हैं, मिलियन मिलियन बिल्कुल, व्यूज आ रहे हैं। फिल्मी हीरो है, फिल्मी हीरो है, बिल्कुल है। और बिल्कुल दूसरा ये कि वो एक वो मुझे सीन्स में नजर आया था, अगर मुझे उसकी तस्वीर होगी तो मैं उसको स्क्रीनशॉट करूंगी। आई थिंक वो बाहर खड़े हुए हैं दोनों हीरो हीरोइन, और पीछे चार नौकर स्ट्रेट खड़े हुए हैं, एक बिल्कुल वो बना के ना, दो पीछे दो आगे, बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े हुए हैं। अब मतलब वो गार्ड भी नहीं थे कि मैं कहूँ कि जी गार्ड्स हैं, कि वो बंदूक के हाथ में हुए हुए कुछ हुए हुए हैं, वो सिर्फ स्टैंड अप करके स्ट्रेट करके खड़े हुए हैं, चार दो आगे दो पीछे। क्या था पर्पस इसका? मतलब कौन ऐसे घर में रहता है इस तरह से कि जिसमें दो लोग पीछे और दो लोग आगे स्ट्रेट होके सांस भी नहीं ले रहे, सांस भी रोकी हुई है बेचारों गरीबों ने, ना हिल रहे ना चल। बकिंगम पैलेस क्वींस गार्ड्स होते हैं ना, वो ऐसे रहते हैं, असल में कोई नहीं होते। वो फैंटेसी है, चीज सारी अगर फैंटेसी। एक चीज जो मुझे इसमें सबसे मजे का प्लॉट लग रहा है, वो दानिश तैमूर के ऑफिस में हारून का काम करना, उसका नाम फवाद क्या है भाई, उसका सरफराज, सरफराज हाँ, वो जो कोई मजे का सीन होगा ना वहां पे, दानिश तैमूर अपना सारा अल्फा मेल निकाल के पिटवा दे उसको, मेरे दिल को ठंड पड़ जाएगी। जो मर्जी कर ले, गंजा करा दे, उल्टा लटका दे, कुछ कर दे बस, तो बस अभी उसका मुझे तो, इंतजार है। अभी अभी तो फरहा आ गई है ना, हाँ, अब फरहा आ गई दानिश है। तैमूर, हाँ, इस ड्रामे में दानिश तैमूर वो जरनाब है, तीन तीन लोग उनके पीछे, तीसरी तीन तीन लोग उनके पीछे, में दो काफी नहीं थी, जब तीसरी भी आ गई है तो अब वो देखते हैं कि क्या है, भी आ गई। लेकिन अब तीन सही बात है। अच्छा, मुझे इस एपिसोड में अब भाभी पे तरस आने लग गया। यहाँ तो भाभी बेचारी अब छोड़ दे, लेकिन एक तरफ उसके पास इतनी मोहब्बत है लुटाने को, दूसरी तरफ उसको दुआ ने कुछ कहना भी नहीं है। थोड़ा सा भाभी को भी 2-3 दिन मतलब कुछ इंसाफ तो करे ना, या तो शादी ना करता, यार उसे या अभी छोड़ दे। शादी उससे पूछ के तो उसने नहीं की थी ना, नहीं मतलब भाभी का हक तो मारा जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि इसके बाद भाभी जो है वो एक क्लैशनकोफ लें और सारी दुनिया को ढा 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 करके उड़ाना शुरू कर दें, तो वो भी तो गलत बात है। और दूसरा ये कि आई थिंक ये इस ट्रेडिशन को ही खत्म हो जाना चाहिए कि जी आप अगर जायदाद ऑफकोर्स के चक्कर में अगर आप भाभियों की शादियां इस तरह से छोटे देवरों से करवा रहे हैं, तो वो भी एक गलत मैसेज है देना। और ऑब्वियसली वो लड़का जो ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड था, उससे एक्सपेक्ट करना कि वो अपनी पूरी छोड़ के सब कुछ और वो भाभी के साथ जो है वो हो जाएंगे, बिकॉज यार हमारे माशरे की चीजें नहीं है ये। अगेन ये नहीं, दिस इज नॉट अवर कल्चर, दिस इज नॉट अवर ना कल्चर। हमारा हमारे रिलीजन यहाँ है। भाभी को माँ के का दर्जा दिया जाता है कि भाभी, बड़ी भाभी स्पेशली वो माँ के बराबर होती है और उसका वो दर्जा होता है। तो ये आई डोंट थिंक सो कि आपका माइंड इतने आसानी से इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि जी भाभी को आप बीवी के रूप में देखें। ये अक्रॉस द बॉर्डर हमारे पास ये इस कॉन्सेप्ट को भी लेकर आए हैं, विच इज अगेन नॉट राइट। क्या क्या फर्क पड़ता है भाभी घर पे रह जाए बगैर शादी किए? अगर शादी करनी है आप ऑफकोर्स खानदान से बाहर, आप बाहर कहीं शादी कर दें, अगर लड़का राजी नहीं है आप कहीं भी करते हैं, तो ये सिर्फ जायदाद के चक्कर में भाभियों की देवरों के साथ शादी कराना, इट्स नॉट मेरे नजदीक ये कोई सही दानिशमंदाना। ट्रेडिशन नहीं है, हाँ, रिवाज नहीं है, लेकिन फिर उसको एड्रेस करें। बहुत सी चीजें एड्रेस हो सकती हैं, लेकिन ये रेटिंग्स वाला ही चल रहा है। हाँ ये अब बहन का बच्चा, आई डोंट ओन द चाइल्ड, वो एक अलग कॉन्सेप्ट क्या दिखाना चाह रहे हैं, बस या बस ठीक है रेटिंग चल रही है ड्रामे की, कुछ। रेटिंग चल रही है, ड्रामा चल रहा है, वो फैंटेसाइज कर रहे हैं। और मैं वो सेवन स्काई का वो इंस्टा का देख रही थी, तो उसपे बड़ा बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा था, शुड फिजा फरगिव फराज, सरफराज जो उनको धक्का दिया गया है, तो फिजा को उसको माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब उस पर एक डिबेट हमने करनी है
कि फिजा को सरफराज को माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अब तुम अपना व्यू पॉइंट दे दो, तुम क्या कहती हो, तुम्हारा क्या ख्याल है कि फिजा को सरफराज, ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल डिबेट हो सकती है इस बात के बारे में कि फिजा को सरफराज को माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप बताएं आपका क्या ख्याल है। फिजा को पुलिस को बयान देके अरेस्ट करवाना चाहिए जो काम हो रहा है। बस कर दें, अब इस चीजों को आप कब तक दिखाएंगे? इसमें अभी भी मार्जिन रह गया है, कहाँ तक इसमें मार्जिन आप निकालेंगे? कि गिरा भी दिया, ओन भी नहीं किया, मारना पीटना सब, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसमें मार्जिन ही कोई नहीं है। तो हाँ लेकिन ये खैर, पता नहीं डेटिंग आ रही है, वो शहरयार मुनव्वर और हिबा ने कोई हाउ वेल वी नो इच अदर वाला कोई क्विज किया है। उसके अंदर शहरयार मुनव्वर ने हिबा को छेड़ा कि यू आर द रेटिंग क्वीन, यस 5 days तुम्हारा ही ड्रामा ट्रेंड कर रहा है। दो तो जानिसार हो गए, दो रद्द हो गए, एक और भी शायद आई थिंक कोई होगा, लेकिन वो कह रहा है 5वें दिन तुम्हारा ड्रामा कर रहा है ट्रेंड। तो हालांकि दोनों में कितना ऑपोजिट कैरेक्टर है, इसमें तो दुआ सिर्फ तैयार होने के अलावा कुछ नहीं करती, और दुआ उसमें ईमान है, और उसमें ईमान सारा कुछ करती है। तो लेकिन वो हिबा का ट्रेंड हो रहा है, चैनल्स पे डिपेंड करता है ना हाँ, बुखारी, हिबा। हिबा बुखारी, उस पे आ ही गए तो अब रथ पे आ जाते हैं। यूजुअली हम रथ को हमसे पहले करते हैं, मगर अब पता नहीं आज कुछ थोड़ा सा डिले हो गया, हम अब कर रहे हैं रथ। तो मजा आ रहा है रथ में अभी भी यार, हाँ, बड़ी रथ में तो बात आ है, रहा है, बड़ी बड़ी बात बात है। है यार, अभी तक मेंटेन। और इस कदर खूबसूरत रिलेशनशिप दिखाया है इन्होंने, जो है मियां बीवी का। कम्युनिकेशन इज द की, दैट इज द थिंग दैट इन्होंने हाईलाइट की है। कोई भी बात दोनों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से नहीं छुपाते, हर बात वो खुल के बोल देती है, हर बात बगैर ये सोचे समझे, बगैर फिल्टर लगाए बता देती है हर बात, कि अब ये हुआ, जैन दिखा, जैन नजर आया, जैन ने ये बोल दिया, जैन ने वो बोल दिया। वो जो सीन्स स्पेशली जब वो जैन को उसके सामने जो है वो गजरे पहना रहे होते और वो उसको थपकी दे रहे होते हैं कि बेटा आप तो ये मेरी है, कर लो जो तुम्हें करना है। ब्यूटिफुली डन यार, मजे का बीच फिल्म है। में थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हो रहा था कि हर चीज बेचारे को क्यों बताती है, उससे उसकी बातें करे, और हर बार मतलब एक रोप के मेरे पीछे एक बंदा आया जा रहा है। लेकिन यह है कि शहरयार मुनव्वर की ड्रेसिंग में कलर्स आ रहे हैं, वो चीजें हो रही हैं, लेकिन इन्होंने ये चीज गलत फहमी वाली चीज बहुत ड्रामाज में हुई है कि बात छुपा ली और नहीं बताई। तो ये इन्होंने स्क्रिप्टिंग बहुत एक बोल्ड स्टेप है कि हर चीज एक्चुअली बता रही है, कुछ भी नहीं छुपा रही। और वो उसके कैरेक्टर के साथ ना ये बात जा भी रही है, जिस तरह का उसका कैरेक्टर शुरू से इन्होंने बना के रखा हुआ है ना, तो उसमें ये बात जा भी रही है कि ये ऐसे ही करेगी। मगर मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। आई थिंक ये एक कामयाब शादी के लिए, रिलेशनशिप की पार्टनरशिप के, होगी, रिलेशनशिप के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज इस तरह से, अगर आप खुल के बात कर सकते हैं दैट मीन्स कि आप फ्रेंड्स हैं, और अगर आपकी फ्रेंडशिप है अपने पार्टनर के साथ तो फिर इसका मतलब कि आपकी शादी गई बहुत अच्छी गई। लेकिन खैर हाँ, कुछ चीजें फिल्टर करनी भी चाहिए, ये बात तो है, हर बात तो बताने की नहीं होती, कभी कभी फिल्टर कर भी देना नॉट चाहिए। बिकॉज कि आप उससे अशेम्ड हो, बट बिकॉज इट्स नॉट नीडेड। कि मतलब आप अपने हस्बैंड को बार बार में रिलेशनशिप ला दे जा रहे हो, इट्स नॉट नीडेड। लेकिन एक चीज जो मैंने नोट की है कि महबूब कदमों में करना हो, सौतेले रिश्तों को अपना बनाना हो, एक्स को जलाना हो, या जालिम शोहर से निजात, तो आप जाएं पीर सालार के पास। मतलब हर काम पीर सालार जिंदाबाद, सारा कुछ उसने कर लिया, उसका ह्यूमन एलिमेंट ही खत्म कर दिया। वो तो माशाल्लाह पीर साहब बन गए, वो तो इंसान लगते ही नहीं। कि यहाँ पे बीमार ससुर के पास भी है, उधर साली के पास भी है, सुतेली माँ भी उनकी गर्विदा हो गई है, सुतेले बहन भाई। तो पीर सालार ने तो चारों खाने शित कर दिया सबको, अल्फा मेल, अल्फा मेल। हाँ, अच्छे तरीके से किया है शहयार मुनव्वर, अच्छा है, हमें सब ये सब पसंद आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ह्यूमन एलिमेंट भी दिखाया ना, जो जैन को देख के थोड़ा सा जेलस हो, वो जो लॉन में आई थिंक कॉन्वर्सेशन में दिखाया है। है उन्होंने। और आई थिंक मुझे तो इनफैक्ट ये बात बहुत अच्छी लगी कि जहां पे उसको इनसिक्योर होने की जरूरत है वहां पे उसने एक्सप्रेशंस दिए हैं इनसिक्योरिटी के, जहां पे उसे फौरन से जाके उसको क्लियर किया है कि नहीं, लाइक उसको कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पागल थोड़ी हूँ तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ जाऊंगी।
लेकिन एक उन्होंने बच्चियों के नाम में भी थोड़ी सी गड़बड़ की है कि पहले अनाया गायब हुई थी, फिर ईशा गायब हो गई, फिर दोबारा अनाया गायब हो गई। वो बच्चियों के नाम में ना मिक्सअप कर रहे थे। अच्छा वो मैंने नोट लेकिन किया। हाँ हाँ, लेकिन वो वी कैन लेट दैट गो, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ इश्क मुर्शद में जैसे हारून बेग एंड तक पता नहीं चला था कि हारून बेग ने माँ को मरवाया है, इस तरह वही कैरेक्टर है अदनान जाफर। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी बाप ही अब शेडी नजर आ रहा है, बाकी सब साजिशों से थक गए हैं। हाँ मैंने तो कहा था ना कि मुझे बाप के कैरेक्टर में मुझे गड़बड़ नजर आ रही है, तो हाँ, मेरा लेकिन अपना अभी तक कुछ एक्सपेक्टेड हुआ नहीं। लेट्स सी कि कोई बीच में बाप का पार्टनर, कोई और बंदा निकल आए। मामू भी बीच में हो सकते हैं, मामू भी आई डोंट थिंक सो कि पता चले कि मामू भी इन्वॉल्व थे किसी तरह। मामू नहीं, तो गायब ही हो गए। मुझे तो अब्बा पे ही शक हो रहा है, बिकॉज देखो हर चीज अब्बा को पॉइंट आउट कर रही है। अम्मा के जेवर गायब हो गए, किसने गायब किए? जाहिर सी बात है चाबी अब्बा के पास ही थी ना, तो और उसका क्या क्या उसका बैकग्राउंड क्यों किया ये सब कुछ, ये तो अभी खैर हो सकता है आगे ये लोग कुछ करें दिखाएं, समझ नहीं आ रही अभी के वो उसकी जरूरत क्यों उन्होंने समझी जेवर वेवर गायब करने की। और जिस तरह से ये कि जो बंदा उसकी माँ के कमरे में वो पेन क्यों रखा गया, मतलब वो फ्रेम करना चाह रहा होगा ना अपनी बीवी को ऑब्वियसली, तो वो उसकी वजह से रखा है। तो ये कि ये सब चीजें कड़ियां, ये कि कोई घर का बंदा है जो कर रहा है। अब घर का बंदा कौन हो सकता है? हु कुड बी, कि जो अपनी जाहिर सी बात है सालार तो अपनी बीवी पे कातिलाना हमला नहीं कराएगा, और बीवी ने हाँ, मना और कर कामरान दिया मैंने नहीं कराया, भी दिखा दिया है। कामरान को भी दिखा दिया, समन को भी दिखा दिया, तो कौन बंदा बचता है जो कि जिसके ऊपर ये आप लाद सकते हैं इल्जाम? शक आपका एक कैरेक्टर है जिसपे बन सकता है, बाकी तो और मुझे कोई समझ नहीं आ रही। तो ये है, तो बाहर वो समन बेचारी को बार बार उसी का रिश्ता गरीब जैन जैन ही बचता है उसके लिए कहाँ जाए वो। अच्छा, मुझे अब तक अरसलान अच्छा लगा था, बल्कि शुरू के एपिसोड में जब वो हिबा के साथ था ना तो अच्छा लगा था। इस बार तो उसने इतना फ्लैट कर दिया है, वो इतना अच्छा सीन था कि दोनों डांस कर रहे हैं, लेकिन ना समझ नहीं आया कि वो क्या फील कर रहे, जेलसी, गुस्सा, कुछ भी नहीं था उसके चेहरे पे, इतना फ्लैट क्यों कर दिया? यार अरसलान असल में तो से, एक्टर ही हो तुम। अरसलान एक्टर नहीं है, अरसलान हमारी तरह का यूट्यूबर है अनफॉर्चुनेटली। अरसलान इज नॉट मैं मतलब ठीक है फैन फॉलोइंग अपनी जगह पे होती है, मगर ये कि आपकी एक्टिंग स्किल्स आप या होते हैं एक्टर या आप नहीं होते हैं एक्टर। तो अरसलान ने मुझे एज एन एक्टर आई वॉज नेवर वेरी इंप्रेस्ड, नेवर वेरी इंप्रेस्ड। और मैंने शुरू से ही कहा था कि वो दाढ़ी इसीलिए लगाई है क्योंकि एक्सप्रेशन तो है नहीं। ताकि एक्सप्रेशंस नजर ना आए, अब नजर आ रहा है जब दाढ़ी हटी है और जहां पे एक्सप्रेशंस की जरूरत है वहां पे वो बहुत बुरी तरह नाकाम हो रहा है एक्सप्रेशंस देने में। क्योंकि अब शहरयार के वो साथ फ्रेम शेयर कर रहा है ना, शहरयार मुनव्वर को टक्कर देने वाला एक्टर होना चाहिए, और वो आपको उसकी कमबैक, उसका आपको फील होना चाहिए एक सनसनी की तरह कि ओ ही इज बैक। वो म्यूजिक की वजह से थोड़ा सा होता है, वरना मजा नहीं आया। नहीं वो सब रद में मुझे जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है वो अरसलान के जहन के कैरेक्टर के साथ हो रही है, अदरवाइज तो अच्छा। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ड्रामा खींचेंगे, मुझे लग रहा है कि जल्दी वाइंड अप हो जाएगा अब ज्यादा। हाँ, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है ऐसा, सच है ना। बहन की उधर से डिवोर्स हो जानी है, और आई थिंक करना चाहिए, ये ज्यादा लटकाए भी नहीं। अब हीरो हीरोइन की जब एक बार हो जाए ना सेटिंग, और बाकी मेजर गोल्स तो सारे हो गए हैं, अब तो अब नहीं ज्यादा लंबा करना चाहिए। वलीमा तो हो गया ना, बस मेजर गोल हो गया अब वलीमा हो गया कारोबार खैर भी मिल गया, अमीर भी हो गए, हाँ बिल्कुल 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 सारा फिक्स। समन भी पढ़ने चली जाएगी, सारों की हैप्पी एंडिंग हो जानी है, बस वो कातिल माँ का पता लग जाता है। बस कातिल बाप का पता लगे। तो हाँ, ठीक है चलें, तो जल्दी जल्दी अब हम जफा को कर लेते हैं और उसके बाद हम वाइंड अप कर लेंगे। जफा आई थिंक हमने मैंने एपिसोड 6 देखा था, आज उसका एक और भी एपिसोड मेरे ख्याल में आया होगा। आएगा। अंदलीप जो है वो घर से भागने की तैयारी करती हैं और अब्बा जो हैं उनके वो पकड़ लेते हैं। बड़े ऑब्जर्वेंट शुरुआत अब्बा है वैसे, बड़े ऑब्जर्वेंट अब्बा है यार, मतलब अल्लाह का शुक्र है अब्बा हमारे तो अब्बा। अलर्ट है, एक बच्चा पैदा करो जो लोग होते हैं ना उसके ऊपर पूरी नजर रखो, वो वाले बहुत अब्बा जी हैं कि रात को भी उठ के देखते हैं, सब करते हैं, पता नहीं अब्बा जी एक्सट्रीम पे बैग। चले गए, मुझे लगता है अब अब्बा जी मुझे लगता है कि थोड़े से एक्सट्रीम पे चले गए यार, मतलब इतना भी नहीं। अब जब देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है, वो हाथ काट रही है, पैर काट रही है, रो रही है, धो रही है,
अब्बा जान जो है वो जबरदस्ती बस वो शादी कराने के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो ये हाँ नहीं समझ लिया है कि इतना अगर सेंसिबल बाप इन्होंने दिखाया था, एक कैरेक्टर दिखाया था, तो क्यों, व्हाई इज ही डूइंग ऑल दिस? ओवरऑल अच्छी स्क्रिप्ट में एक यही चीज का मसला है कि इस एज में बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, आप उनकी काउंसलिंग करते हो अच्छे तरीके से, उन्हें समझाते हो किस तरह करना है, या कम से कम उस लड़के को और उसके घर वालों को बुला के आप बैठते तो हो कि ये देखो ये हमारे बच्चे कर रहे हैं, बिकॉज माँ बाप यूजुअली एक ही पेज पे होते हैं, फिर बच्चों को समझ आ जाती है कि हमारी यहाँ भी डालनी गलनी, तो कुछ करते हो आप, जरा कोई बीच की राह निकालते हो, इतना एक्सट्रीम नहीं जाते, वो चीज ज्यादा कर रहे हैं। और वो बार बार खुद कह रही है कि आप लोग मुझे पुश कर रहे हैं कि कुछ करने के लिए, कुछ एक्सट्रीम करने के लिए। वो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है दोनों बाप बेटी के बीच में, ऐसे नहीं है कि नहीं है, बल्कि माँ बाप और बेटी के बीच में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है। तो उसमें बाप का ना समझना चीजों को, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे हजम नहीं हो रही। और दूसरा बेचारा वो नौमेर है, उसकी भी अम्मा हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है कि उसकी शादी करानी है, वो भी समझ नहीं आ रही, वो भी बेचारा घर से भागने के चक्करों तक पहुंच गया गरीब। मतलब अच्छे खासे ऑन्कोलॉजिस्ट को घर से भागने में मजबूर करना पड़ा अम्मा को, कि वो इतनी शादी के पीछे, मतलब इतनी भी क्या कोई मार पड़ी हुई है अम्मा को कि बस शादी ऐसी करना। अम्मिया मैंने देखी हुई है, मैं उन्हें समझ नहीं आती, जब बगैर वजह के लड़के इनकार करे ना, माओ को समझ नहीं आती। किसी एक आदमी ने मुझे शिकवा भी किया कि अम्मी तो तलवार लेके मेरे पीछे पड़ी हुई, हाँ तो वो माए ऐसी एक्सट्रीम हो ही जाती है। माँ को तो अल्टीमेट गोल होता है ना, अच्छी बहू लाना और ये करना और वो करना, माशरा भी पूछ रहा होता है, तो चलो अम्मिया तो होती है ऐसी। नुमैर थोड़ा ज्यादा कर रहा है, लेकिन क्योंकि आई थिंक उसको वो बहुत से वो सैड उसमें एंग्री यंग मैन वाले रोल में चला गया। नहीं वो समझ में नहीं आ रही मुझे, वो बिल्कुल जब उसको नहीं करनी है तो फिर नहीं करनी है, वो इतना कोई छोटा काका थोड़ी है कि वो इतना उसको, अब या तो माँ माँ की बात मान रहा है तो खुशी खुशी मान ले, मगर ड्रामे भी डालने हैं और शादी नहीं भी करनी है। अब एक तरफ हो जाओ यार, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, अजीब बीच में हम सबको लटका के रखा हुआ है उसने। बट चलो जो भी है, अच्छा जा रहा है ये ड्रामा भी, एक्चुअली मैं एंजॉय कर रही हूँ। सही जा रहा है। विवेक हाँ मजे का जा रहा है। और वो जो हमारा जॉन से प्यारा जॉनी जो है, उसमें भी वो एक हाँ ट्विस्ट आ गया जनाब, समझ नहीं आई मुझे उस ट्विस्ट की कि क्या था। लड़का वो लास्ट मिनट पे, इसकी अम्मा ने इसको ऐसा क्या हुक्म दे दिया कि वो शादी से भाग गया, तो मुझे ये एपिसोड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। मैं कंफ्यूज रही कि उन्होंने क्लियर नहीं बताया कि क्या हुआ, और वो बस शादी के लिए दुल्हन तैयार बैठी हुई है स्टेज के ऊपर, और वो दुल्हन मियाँ तशरीफ नहीं लेकर आए क्योंकि उनकी अम्मा के साथ कोई कमिटमेंट हुई हुई थी, और उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। उसके बाद जो है वो हीरोइन साहबा जो है वो बेहोश हो जाती हैं, हीरा मानी जो है वो बेहोश हो जाती हैं, हॉस्पिटल चली जाती हैं। मगर अगर आपको कोई ड्रामा देखना है जिसमें कि अटेंशन टू डिटेल नाम की कोई चीज दूर 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 तक नहीं है, वो आप ये ड्रामा देख लें। एक दफा ये बेहोश हुई है, उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसके साथ जो वो सलूक हो रहा है हॉस्पिटल के कमरे में ना, जो बकौल उनके आईसीयू है, मैं तड़प गई एज अ डॉक्टर, यानी मेरे आंखों से लिटरली आंसू निकलने वाले थे। मतलब जिस तरह का आईसीयू उन्होंने दिखाया है कि, और जिस तरह से वो उठ रही हैं और उनको उठा करके एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, और वो फिर बेहोश हो जाती हैं, फिर वो उठती हैं, वो चीखती हैं, फिर उनको उठा करके इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही क्या दिखाना चाह रहे हैं। आईसीयू किस किस तरह का होता है आईसीयू यार, मतलब थोड़ा तो इंसान थोड़ा तो बैकग्राउंड रिसर्च कर लेता है, थोड़ा कुछ तो दिखा दे, कोई ट्यूबे दिखा दे बंदा, आईवी लाइन मेंटेन की भी दिखा दे, कोई ड्रिप लगी भी दिखा दे, कुछ दिखा दे, कुछ लो भी। बजट ड्रामा जी इसके साथ मेरा ख्याल है हम लोग दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं वो जल्दी से, एक बॉलीवुड न्यूज थी कि नेटफ्लिक्स पे एक शो आया है महाराज के नाम से, उसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने एंट्री दी है, किया। मैंने नहीं देखा अभी तक, आई थिंक इट्स अ मूवी, लेकिन बहुत तारीफ सुनी है मैंने, तो आई माइट वॉच इट, तो देखना अगर तुम भी देख सको तो देख लेना, तो हम इसको रिव्यू कर जरूर लेंगे। देखेंगे जरूर। जुनैद आमिर खान का बेटा है तो फिर तो देखना बनता है। बाकी कास्ट भी बहुत अच्छी है, जिस तरह उन्होंने बताया ना, लोगों ने बहुत मेहनत की गेटअप में आने के लिए, और रिव्यूज उसकी बहुत अच्छे आ क्लिप्स रहे अभी तक हैं। वायरल हो रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे इसके रिव्यूज आ रहे हैं, स्पेशली जुनैद खान के बारे में, हैरत की बात है, लेकिन वैसे बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं उसके। बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जनाब आजकल, तो कंट्रोवर्सीज का भरा हुआ है इंस्टाग्राम पूरा का बहुत सुना, पूरा,
तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो इस वक्त चल रही है वो ये कि हमारे कुछ एक्टर्स ने कुछ पेड प्रमोशन कर दिए हैं गवर्नमेंट के बारे में, उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, और उनमें से काफी लोगों ने तो शायद फिर वो बैकफुट पे जाके बैकलैश के बाद उसको जो है वो अपोलोजाइज भी करना शुरू कर दिया है अपने अपने पेजेस के ऊपर, कुछ अभी तक लगे हुए हैं। तो ये है कि अब पता नहीं ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, इसके बारे में क्या बात करे बंदा, लेकिन मतलब कि आप कितने खुद ही दूसरों का नंगे हो गए वाली बात रहेगी। है सीधी बात है कि आप कितने नंगे हो गए। आप सबको नजर आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, आप फिर यही वाले काम कर रहे हो। और एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस को क्या हो गया है, अल्लाह माफ करे, इतना पैसा बाकी चीजों से भी मिलता है, वाई गो टू द लॉस्ट कॉज। उसको कराची से कंपेयर करें कि लाहौर तो पेरिस से कराची की निस्बत, आप ओवरऑल चीज देखो ना कि कराची का अगर हालात खराब कर दिए तो लाहौर के भी बहुत खराब कर दिए। कंपेयर करके आप नहीं कर सकते ये चीजें। नेक्स्ट मंथ से फिर बिजली बढ़ रही है, 20,000 अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 40,000 उस पर टैक्स आ रहा है, फ्यूल का अपना जो हालात है, और सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, कंट्री डिफॉल्ट में जा रही है, क्रिकेट तक में हमारा सत्यानाश हो गया है, आप कहाँ से अपने आप को बचाओगे। ये वाला इंडिया में भी हुआ था, उन्होंने ट्रिक किया था किसी चैनल ने, उन्होंने असली बंदे नहीं थे, उन्होंने विवेक ओबरॉय और बहुत सारे लोगों का निकला था कि आप बीजेपी के लिए आप पोस्ट कर दो और आपको इतने पैसे मिलेंगे। फिर उन्होंने बाद में वो सारी फुटेज लीक कर दी थी कि ये दिल सारे लोग बिकने को तैयार थे। एक विद्या बालन और कादिर खान दो लोग बचे थे जिन्होंने नहीं किया था, और आई थिंक एक अरशद वारसी था अगर था। बाकी जिन जिन को ऑफर किए ये सारे यूट्यूबर्स और जो बिग बॉस में आने वाले सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग विवेक ओब्रॉय वगैरह, इन सब ने कहा था कि हाँ हम पोस्ट कर देंगे, इतने इतने पे डील कर दें, इतने इतने पे डील कर दें। तो बहुत रिस्पेक्टेबल नामों ने कर दिया है कि तो सच में शॉक थी वो देख के कि मैं भी बहुत मतलब सारे नामों को देख के काफी शॉक्ड हुई कि ये क्या था, और ऐसे भी नहीं, मॉरली और एथिकली आई डोंट थिंक सो कि दिस इज अ राइट थिंग टू डू, गलत बात है, स्पेशली जब आपके लोगों के जज्बात इन्वॉल्व हो रहे होते हो। बट अगर टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हाँ ये एक्टर्स हैं, इनका काम ही ये है कि जी आप पैसे दें तो हम एक्टिंग करेंगे, तो शायद उन्होंने भी पैसे लेके 2-2 मिनट की एक्टिंग की है, मे बी दैट माइट जब बी। हम थीसिस लिखते थे तो हमें टीचर्स कहती थी कि आप किसी का भी दुनिया में कोई भी सेंटेंस उठा सकते हो, एज लॉन्ग एज कि आप ये डिक्लेयर करो कि उसका, हाँ ये मत कहो कि ये मेरा है, मेरा व्यू है, मैंने कहा है। वहां पे सारी गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है ना। हिट एंड रन केसेस में भी हिट होना कैन बी अ मिस्टेक, रनिंग कैन नॉट बी अ मिस्टेक। तो ये वही वाली बात है। या तो फिर आप लिखो कि पेड प्रमोशन, वो आप लिखो। यूट्यूब ने भी बड़े क्लियर लॉज बना दिए थे कि आपने ऊपर लिखना है कि इट्स अ पेड प्रमोशन। फिर आप आगे होके बताओ कि ठीक है मैंने पैसे लिए और फिर मैंने किया, फिर मैंने बताया कि मेरा तो एक्टर हूं, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा दी। इश्तेहार भी करते हैं हम, गवर्नमेंट के इश्तेहार लोग करते हैं, इट्स नो बिग डील। तो लेकिन ये है कि इट्स वेरी सैड, बिकॉज यही चीज यही एनर्जी आप सही तरफ लगा सकते हो। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आप कहीं सही जगह पे लगा लो। बिल्कुल आई एग्री विथ यू 100%, बिल्कुल सही बात तुमने की कि अगर उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया होता कि ये पेड कंटेंट है तो शायद इतना हंगामा ना होता, और बात आपको पूरा हक है, आप किसी से भी पैसे लेके आप उसको आप कर लें, एडवर्टाइज करें, देयर इज नो हार्म इन दैट, लेकिन हाँ आपने पहले मेंशन करना होता है कि पेड कंटेंट है। आई एग्री विथ यू 100% ऑन दिस, वी आर ऑन द सेम पेज हियर। तो चलें जी, मेरे ख्याल में और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, मगर फिर बहुत लंबा हो जाएगा, भरा हुआ है सफ़ा, तो मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में सिवाय कंट्रोवर्सीज के और कुछ नहीं चल रहा, स्पेशली वो खलील रहमान कमर वाली जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उनकी कब नहीं चलती, मगर वो कहाँ कहाँ वो नुमान निजात के बारे में भी बोले हैं, सबा कमर के बारे में भी बोले हैं, वो सबके बारे में बोले हैं, इफ यू डू तो नॉट हैव एनीथिंग नाइस टू से, यू शुड स्टे क्वाइट, मैं यही कहती हूँ। उसमें वो क्यू आर बोलने की के क्या जरूरत है, नेगेटिव चीज को आप रजिस्टर क्यों करवा रहे हो। यार, ये पर्सनालिटी ऐसी है कि इनसे मिले बगैर मैं इनके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहती, मुझे बहुत ही कोई बहुत ही वियर्ड सी वाइब्स आती हैं इनकी इंटरव्यूज देख के, या तो इतने कुछ सादा हैं कि उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है इनसे सवाल ऐसे पूछ पूछ के, या तो फिर ये कि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एरोगेंट है और निडर है, अपनी एरोगेंस शो करने से डरते नहीं है, मेरा तो ये ख्याल है।
आप फिर कभी इंटरव्यू करें तो फिर देखेंगे, तो नहीं, फिर मुलाकात होगी। मैं इस आग में नहीं कूदूंगी, और बेहतर यही है कि इंसान अपनी इज्जत को बचा के रखे तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। इनके साथ बात करना जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है। तो लेकिन एनीवे देखते हैं क्या पता है? खलील रहमान ने तो चलो डिफेंड किया, उनके शो में जो गेस्ट आए हुए थे, ही सेड 95% औरतें जायल है, हाँ 65 भी नहीं। आपको ये देखना चाहिए कि आपका तो लिटरेसी रेट आपका चलो 50% है मर्द औरत दोनों के लिए, लेकिन सिर्फ पढ़ने लिखने से आप जाहिल और अकलमंद नहीं होते। वो औरत जो बच्चे पाल रही है, जिसने दुनिया देखी है, ये कमेंट आया था किसी इलेक्शन कैंपेन में, बलोचिस्तान की औरतें जो वोट देने के लिए बैठी थी सारी चादरों वाली, उनके ऊपर कमेंट किया था सलमान जो तासीर की एक बेटी ने, कि मैं तो इन्हें ये भी ना कहूं कि मेरे किचन का मेन्यू डिसाइड करो, ये वोट कैसे देंगी। उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, एक खातून ने कह दिया था, लोगों ने कहा था कि सिर्फ बिकॉज उन्होंने दुपट्टे लिए और वो सादे बैकग्राउंड से, वो जिंदगी के बारे में आपसे कम जानती है, आपको कैसे लगता है, उन्होंने ज्यादा हार्डशिप्स देखी है, उन्होंने ज्यादा मेहनत की है। तो ये इस किस्म की चीजें, और ये किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि जब आप ऐसे कह देते हो ना, आज जो बंदे लड़के बैठ के टीनेज लड़के ये उस साहिल अदीम को जो डिफेंड करें कि हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, देखो वो औरत जाहिल ही थी जाहिल ही थी जाहिल ही थी, वो बंदे कल को अपनी बच्चियों के साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में आज ये बैठ गया कि औरत जाहिल, कल वो जाहिल औरत को फांसी भी देंगे, कल वो जाहिल औरत का रेप भी करेंगे, कल वो जाहिल औरत को कौड़े भी मारेंगे, चाहे वो उनकी माँ बहन बेटी कुछ भी हो। पहले ही हमारे माशरे में ना औरत की इज्जत नहीं है, अगर औरत दुपट्टे के बाद बगैर बाहर जा रही है ना, तो लोग कहेंगे ये तो इनवाइट कर रही है। आपने उस औरत को एक जाहिल लेबल करके ये लोगों को जो है ना बंदूकें पकड़ा दिया। अब औरतों के खिलाफ जितना क्राइम बढ़ेगा, तो सोच है हमारी, वो घरों में बाप और भाई मार रहे हैं। एक वीडियो पिछले दिनों हुई थी कि भाई ने बहन को मारा और बाप ने उसको पानी दिया कि तुम थक गए होगे गला घोट के। तो एक्सट्रीम बात है कि इस पे उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, कम से कम कहते कि चलो मेरे अल्फाज गलत थे। वो लड़की भी गुस्से में थी आगे से, लेकिन क्या करें, प्लांटेड किस हद तक बात सच है कि ये प्लांटेड है वो लड़की भी? प्लांटेड होता तो ये साहिल अदीम के हक में नहीं जा रहा, लड़की अननोन थी, लड़की को उन्होंने अगर अच्छा दिखाना है तो ये प्लांटेड हो सकता है, लड़की तो अननोन थी। अननोन थी या ये समा की कोई मैं उसका समा गैलरी की में उसका रिपोर्टर देख है रही तभी थी। उसके पास एक्सेस थी, समा की रिपोर्टर है तभी उनके पास एक्सेस थी, तभी उनके पास ये कॉन्फिडेंस था टू आस्क द क्वेश्चन। हम जैसी लड़कियों को एक दफा हमने एक बड़े मशहूर राइटर के साथ हमने कोर्स किया था और हमने अपनी स्क्रिप्ट्स लिखी थी, और एंड में हमारे स्क्रिप्ट्स के होता था कि हमने स्टेज पे जाके वो स्क्रिप्ट्स पढ़नी है। तो वो पीटीवी के दौर के बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, बाद में आपको बताऊंगी, राइटर है, उन्होंने हम तीन चार लड़कियों को एकदम से देखा, उन्हें रियलाइज हुआ तो दुपट्टे वाली है, वो हमें झाड़ना शुरू हो गए कि दुपट्टे के साथ आप लोग स्टेज पे कैसे जाएंगी, हम हक्का बक्का उनको देख रहे थे। तो हम नहीं आगे से बोल सके क्योंकि हम आम खवातीन थी ना, वो कॉन्फिडेंट इसीलिए थी क्योंकि वो मीडिया इंडस्ट्री में काम करी है, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि या तो ये और प्लांटेड वो है सनिया या पे प्लांटेड थी। बिकॉज देखो आई रेटिंग थिंक में भी तो ये किसी भी लिमिट तक चले जाते हैं ना यार। ये भी तो देखो ना कि अब उसकी उनको ये शायद अंदाजा नहीं होगा कि कितना बैकलैश आएगा, इतना ज्यादा आएगा। मे बी उन्होंने इसको वायरल करने के लिए कि ये जी क्लिप है वो क्लिप निकाल के हम वायरल कर देंगे और ये जो शो है ये हिट हो जाएगा और उसके बाद हम हो इसको चला जाएगा, देंगे। लेकिन आई डू नॉट गेट के वो जो यूट्यूबर है साहिल साहब, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर, वो उन्होंने कैसे एग्री किया इन कमेंट्स को कहने पे। मुझे कोई आप लिख के दे दो कि कोई कमेंट्स ऐसे बोल दूं अपने किसी सीनियर राइटर के अगेंस्ट, मैं तो कभी ना बोलूं, चाहे आप मुझे जितने भी पैसे दे दो, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा ना इससे। उन्होंने अपना कैरियर कैसे दांव पे लगा लिया, मुझे ये कैरियर समझ भी, नहीं आ रहा। और इनफैक्ट आज मैं देख रही थी कि शायद वो सिंध असेंबली में कोई बिल भी पास हुआ है इनके खिलाफ। अच्छा नहीं, मैंने न्यूज़ नहीं देखी, हाँ लेकिन हाँ पॉसिबल है। आज आज की खबर है कि सिंध असेंबली, वैसे तो बहुत सिंध असेंबली में बहुत कुछ काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। तो अब सब काम छोड़ छाड़ के अब वो लोग इस पे आ गए हैं कि जी ये इन साहब के लिए अगेंस्ट बिल पास हुआ है कि इन्होंने 95% औरतों की तजलील की है, तो इनको जो है वो जो भी उनके साथ एक लीगल
बैटल में जाया जाएगा, ये सिन गवर्नमेंट ने कहा है आज, मतलब आज बिल पास समा की तरफ से प्लांटेड हो सकता है, लेकिन वो क्यों ऐसे बोलेंगे अपनी इस तरह की कमेंट, नहीं कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्यों देंगे, उनका तो कोई फायदा नहीं है। आजकल। मेरा ख्याल है हर यूट्यूब के शो में या हर टीवी के शो में तुम देखो, जो भी इस तरह के इंटरव्यूज वाले शोज होते हैं, सबके अंदर ये कुछ ना कुछ तो ये लोग करते हैं कि उसको वायरल करना होता है। वायरल के लिए करते हैं, आई थिंक ये तो करते वायरल हैं। के लिए किया है, एंड इट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन में भी। मे भी मुझे तो यही लग रहा है कि बिकॉज वो उसकी जो बंदी की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो मुझे थोड़ी सी मशकूक लग रही है, आई डोंट नो। और उसके बाद फिर उसके बार बार मैसेजेस आना, और फिर वो इंस्टा पे एकदम से फिर उसके भी फॉलोअर्स बढ़ना एंड एवरीथिंग, पता नहीं यार। आजकल तो मुझे तो हर चीज फेक लगने लगी है। आई एम नॉट श्योर, बट जो भी था, इट वॉज इन वेरी बैड टेस्ट जो भी बात थी। एंड बींग अ वुमन, आई स्ट्रांगली कंडेम इट। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। समा टीवी ही खवातीन को लाके ये बात कर रहा है, खवातीन आ रही है कुछ शोज में और वो यही कह रही है कि नहीं वो तो ठीक थे, तो अब किसको अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, कहाँ करना चाह रहे हैं, ले देखते हैं। देखते हैं, नजर आ जाएगा। अच्छा, अरे यहीं पे आज का शो खत्म कर। तुमने कहा था आज बहुत ज्यादा बातें नहीं है करने के लिए सनिया। तो बस हम बैठ जाए तो बातें निकल ही आती है। हाई फाइव। फाइव, चलो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आते हैं फिर दोबारा और मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मुझे और सनिया को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। वंस अगेन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और देखें भी जरूर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमें बहुत ज़रूरत है कि आपका पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक जो भी है वो आपका मिले, ताकि हम अपने आप को उस हिसाब से फिर इम्प्रूव करें। नहीं तो फिर हम भी छोटी छोटी क्लिप्स निकाल के वायरल कर देंगे और कोई चारा नहीं बचेगा हमारे पास। ठीक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।